ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कानपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था, सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारीज का। तब तक मुझे ब्रह्मा कुमारीज के विषय में कुछ भी नहीं कि क्या संस्था है, क्या होता है। और 17 साल की उम्र में तो पढ़ाई लिखाई हो रही थी, मैंने इंटर पास करके ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर पास कर लिया था, क्योंकि छोटी उम्र में ही मैंने 16 साल की उम्र में इंटर पास किया था। तो मेरे पिताजी लौकिक पिता इलाहाबाद बैंक में सर्विस करते थे, तो एक बार वो आए घर पर, तो उनके ऑफिस में कोई आया हुआ था फिरोजाबाद से, कोई एक भाई आए थे अश्वनी भाई। उन्होंने उनसे कहा कि अब वापस चलो, बहुत समय हो गया, अब घर वापस चलो। तो पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि दादी आ रही है कानपुर में, मालूम है आपको सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कानपुर में हो रही है लाजपत भवन में, और दादी आ रही है, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, भारत क्या पूरे विदेश के, मतलब पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। तो बहुत हो गया, अब जो है चलो, दादी आ रही हैं, ये प्रोग्राम अटेंड करने चलो। तो पिताजी जब घर आए तो मेरे स्वभाव संस्कार के कारण उनको लगता था कि मेरा जो ये संस्कार है वो शांत स्वरूप है और दैवी गुण वाला है। तो उन्होंने मुझसे कहा, चलो सुनीता तैयार हो जाओ, कहाँ चलना है, चलो तो कहाँ चलना है, मैं तुम्हें एक नई जगह लिए चल रहा हूँ। तो सिर्फ मुझे ही उन्होंने कहा चलो लिए चल रहा हूँ। तो मम्मी ने उनको रोका, कहा देखो तुम इसको क्यों लिए जा रहे हो, ये वहीं की हो जाएगी। बोले नहीं नहीं एक बार ले जाने में थोड़ी होगी वो। तो वो मुझे लेकर के गए। जब वहाँ गए मैंने दादी जी को देखा, प्रकाश मेरी दादी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा दादी जी से कम टोली तो ले लो, अश्वनी भाई ने बोला। तो दादी जी के सामने गए और दादी जी ने जो मुस्करा करके मेरे हाथ में टोली दी, मेरा हाथ थोड़ा धीरे से दबाया और हाथ में टोली दी, तो दादी जी की जो वो मुस्कराहट थी वो दिल के अंदर कहीं चली गई। जैसे अब जब मैं वहाँ से लौटती हूँ तो पूछती हूँ, क्योंकि मैं तो सोचा था कहीं सत्संग होगा तो महासंत महात्मा बैठेंगे, वहाँ तो दादी जी बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा ये कौन है, रास्ते में जब लौट करके आ रही हूँ तो पूछ रही हूँ ये कौन है, तो बताया ये दादी हैं। तो दादी मुझे इतना प्यार से क्यों देख रही थी, बहुत मुस्कुरा के देख रही थी, क्यों देख रही थी? तो क्योंकि ऐसा स्नेह और ऐसा प्यार तो मुझे कहीं दिखाई नहीं था इसके पहले, तो वो क्यों देख रही थी? तो पिताजी ने कहा वो देख रही होंगी कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, बहुत शुद्ध आत्मा होगी। तो वो आत्मा देखती हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझको यहाँ जाना है, मुझे प्रोग्राम देखना है। तो कहा ठीक है देखेंगे, मगर बेटा एक बात बताएं तुम्हें, मैंने पूछा क्या, कहा इनके यहाँ जब कोई मर जाता है ना, जो यहाँ जाता है फिर वो रोता नहीं है उसके मरने पर, मालूम है? तो मुझे लगा, पहले तो लगा रोता नहीं है, फिर लगा और क्या, जिसको जाना है वो जाए, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब रोने की क्या आवश्यकता है। मन में मैं सोच रही हूँ, प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोला। तो लौट करके आए, वहाँ से लौटने के बाद फिर प्रोग्राम देखना था। तो हम लोग ने 3-4 दिन का वो प्रोग्राम देखा और उसके बाद में फिर जिद पकड़ी कि मुझको सेंटर पर जाना है, कोर्स करना है। तब मुझे समझ में आई, फिर उन्होंने पिताजी ने बताया मुझको कि वो मेरे जन्म के पहले, माना जब कानपुर में सेंटर बना था, खुला था, 1955-56 के आसपास की बात है, तब वो और मम्मी ज्ञान में चलते भी क्या थे, कानपुर में संतराम भाई थे वकील, जो आदि कानपुर के आदि रत्नों में है। तो पिता हमारे उनके यहाँ एक वो टाइपिस्ट का काम करते थे, तब तक उनकी सर्विस नहीं लगी थी, तो वहाँ काम करते थे। वहाँ संतराम भाई ने कहा होगा, बाबा साकार बाबा जब कानपुर आ रहे थे तो उन्होंने कहा होगा कि चलो तुम्हें बाबा से मिलवा लाएं, और वो बाबा में भगवान आता है। तो पिता को सिर्फ इतना मालूम था कि लोग कहते हैं इनके अंदर भगवान आता है, तो चलो मिल लेते हैं। तो कम उम्र थी, सेवाधारी के रूप में वो वहाँ जाते थे, फिर मम्मी को भी लेकर के गए।
तो जब मम्मी को लेकर के गए तो वहाँ से उनको प्रसाद मिला, केला था। हमारी लौकिक दादी जी की जो बच्चियाँ, उनके बच्चे नहीं बचते थे, माना वो साल भर डेढ़ साल के बच्चे हुए वो शरीर छोड़ देते थे, तो वो लौट करके आए तो एक बच्ची को उन्होंने, जो उस समय थी साल डेढ़ साल की, फीवर से ही उठी थी, बीमारी से उठी थी, तो उसको उन्होंने वो केला खिला दिया। केला खिलाया तो उसको फिर फीवर चढ़ गया। तो दादी जी फिर पिताजी को लाना देने लगी होंगी कि तुमने खिला दिया, ये प्रसाद खिला दिया, अब ये बच्ची भी नहीं बचेगी, मर जाएगी। तो पिताजी बताते हैं कि उन्होंने फिर बाबा को याद किया कि बाबा, लोग कहते हैं तुम्हारे में भगवान आता है, अगर सच में भगवान आता, अगर तुम में सच में भगवान आता है तो इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझ पर कलंक लग जाएगा। और वो बच्ची आज भी है, मतलब मेरी लौकिक बुआ वो आज भी हैं।